नमस्कार दोस्तों, कानपुर गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे साइंस की। तो साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साइंस में हम स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इसको हम 4 से 5 पार्टों में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और इसके बाद के पार्ट जो है वो भी हम जल्द अपलोड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जो है वो जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान, भार। तो जो जड़त्व का माप होता है वो होता है द्रव्यमान। हम लोग अक्सर जो कहते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का ही माप होता है। हम लोग मीटर तो कई बार सुना होगा कि मीटर इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई का जो माप होती है वो मीटर होती है। लेकिन जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान में जड़त्व कभी भी बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए ये लोगों को पता नहीं होता है। तो जड़त्व का जो माप होता है वो होता है द्रव्यमान। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खाद ऊर्जा को हम किस नाम किस इकाई से माप सकते हैं? तो हम खाद ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? इसके ऑप्शन दे रखे हैं कैलोरी, कैलविन, जूल, अर्ग। तो जो कैलविन है ये टेम्परेचर का मात्रक होता है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। और अर्ग, जूल, कैलोरी ये सभी जो हैं ऊर्जा के मात्रक होते हैं, लेकिन जो हम खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को मापते हैं वो कैलोरी में मापते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि आदमियों को दिन में इतने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वुमेन्स को इतने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भी खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापते हैं, खाद्य ऊर्जा को जो मापने का जो पैमाना होता है वो होता है कैलोरी। तो चलिए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो हमें देखना संवेग, संवेग क्या होता है? संवेग होता है m इंटू वी, तो द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, ये होता है संवेग, ठीक है। तो ये होता है संवेग। और वेग क्या होता है? वेग होता है v, तो वेग ये होगा वेग v। तो इन दोनों का जब रेशो निकालेंगे तो ये v से v चला जाएगा, बचेगा क्या m। तो इसका जो रेशो आएगा संवेग और वेग का वो आएगा द्रव्यमान। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा द्रव्यमान। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो जब कभी आपने देखा होगा, कभी आप बस में बैठे होंगे तो अचानक से जब ब्रेक लगती है तो आप थोड़े आगे चले जाते हैं, तो उसका रीजन होता है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का जो पहला नियम होता है वही इसका रीजन होता है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर वो विरामावस्था में है, ठीक है, अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो होता क्या है, जब आप बैठे होते हैं गाड़ी में तो आप बस के साथ साथ आप भी चल रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाने से बस तो रुक गई, लेकिन जो आपका आपको जो वेलोसिटी आपके पास है वो आपको थोड़ा सा मतलब कि आगे की ओर ले जाती है, एक झटका लगता है। तो ये होता है न्यूटन के पहले नियम के कारण। तो इसका आंसर होगा बी आंसर, न्यूटन का पहला नियम। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो जो आइस है वो समुद्र की सतह से कितना ऊपर रहता है? इसका ऑप्शन दे रखा है 1/9, 1/10, 1/6, 1/4। तो इसका आंसर जो होगा 1/10 होगा। तो जो बर्फ होता है वो जो समुद्र में समुद्र की जो डेंसिटी होती है, समुद्री जल का जो डेंसिटी होती है वो नॉर्मल जल से ज़्यादा होती है, इसलिए जो ये होता है 1/10 उसमें ऊपर रहता है। मतलब जो बर्फ का 1/10 हिस्सा है वो ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो होता है वो जल में रहता है।
तो ये जल में रहता है, ठीक है, इतना हिस्सा जल में रहता है, बाकी जो 1/10 है वो ऊपर रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इसका ऑप्शन दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, आपेक्षिक बल, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो कोई फिसलता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम लोग जो है कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो पृथ्वी पर आकर गिरती है, वो किस कारण गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और रिलेटिव वेलोसिटी तो यहाँ पे है नहीं, रिलेटिव वेलोसिटी तो हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में जब देखते हैं तो उसे रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, वहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे तो रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन दे रखा है घर्षण की कमी, और चौथा दे रखा है घर्षण की अधिकता। तो अगर घर्षण की अधिकता हो जाएगी तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम फिसलेंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जो ऑप्शन होगा वो घर्षण की कमी, तो घर्षण की कमी के कारण ही पैर फिसलता है। अगर आप चल रहे हैं किसी जगह पे, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, और ये किसी जमीन पे जा रहा है, तो जब ये आगे की ओर चलता है तो इसके पैरों द्वारा ये पीछे की ओर एक घर्षण बल लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम जमीन पे चल पाते हैं। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना लगे तो आदमी जो है जमीन पे नहीं चल सकता और वो यहीं पे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसी फ्रिक्शन बल के कारण ही हम जमीन पे चल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात की जा रही है, तो ऑप्शन देखते हैं पहले क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखा है प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो जब सौर ऊर्जा की बात है तो वहाँ पे कौन सा ऊर्जा होगा? प्रकाशीय ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है। तो प्रकाशीय वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतर करने के लिए निम्न में से किसका उत्पादन किया जाता है? तो वो है प्रकाशीय ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्कमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन का सिद्धांत। तो द्रव चालित ब्रेक जो हैं वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बड़ा सा टैंक दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक, ये जो दे रखा है टैंक, ठीक है, ये पतले पाइप से यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक पतला सा दे रखा है सिरा, और इसको यहाँ पे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया एफ, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया एफ, और यहाँ पे हमने फोर्स, अब मान लीजिए पास्कल का जो नियम है वो ये कहता है जब कोई द्रव, मान लीजिए यहाँ पे द्रव है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है कोई, और अगर कोई स्थिर लिक्विड है तो उसके सभी पॉइंट पे जो है प्रेशर सेम होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर पी है तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना होगा? पी होगा। और प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ और एरिया यहाँ का है ए, तो यहाँ का एरिया है ए, तो यहाँ जो प्रेशर होगा, यहाँ का प्रेशर तो यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो एरिया तो यहाँ पे इतना है। तो जो यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा? पी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, पी इंटू ए हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे एरिया तो कम है लेकिन जो लिक्विड जो है यहाँ पे, जो द्रव है वो स्थिर अवस्था में, तो हर जगह प्रेशर सेम होगा, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अब वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा, फोर्स तो हमने यहाँ पे इतना लगाया एफ और एरिया यहाँ पे ए था, तो अब जो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा वो कितना होगा? यहाँ का एरिया मान लीजिए ए है और यहाँ का एरिया 3 है, तो प्रेशर तो सेम है, तो प्रेशर सेम है तो पी और एरिया कितना हो जाएगा? 3 है, तो यहाँ जो फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये F1 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा F1, ये 3 times of F के बराबर हो जाएगा, 3 times of F के बराबर हो जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे कि हमने यहाँ पे कम फोर्स लगा के यहाँ पे आसानी से बड़े फोर्स, मान लीजिए इसका उपयोग बड़ी गाड़ियों को भी उठाने में किया जाता है, आपने देखा होगा जब कहीं गए होंगे सर्विस सेंटर वगैरह पे, तो वहाँ पे बड़ी आसानी से गाड़ियों को उठा देते हैं,
हाथ से ऐसे ऐसे हाथ से पंप चलाते हैं और गाड़ी आसानी से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो वो इसी सिद्धांत पे काम करती है, पास्कल के सिद्धांत पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मठा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है अपकेंद्री बल, अविकेंद्री बल, गुरुत्व बल और घर्षण बल। तो घर्षण बल का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। घर्षण बल दो सतहों के बीच में लगता है, और गुरुत्व बल जो पृथ्वी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, तो ये भी नहीं होगा। अब अविकेंद्री बल जो होता है वो किसी घूमते हुए पिंड पर उसको केंद्र की ओर बनाए रखने के लिए वो उस पर एक फोर्स लगता है, उसी को अब केंद्रीय बल कहते हैं। तो ये भी इसका कारण नहीं होगा। तो इसका जो कारण होगा वो होगा अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल में होता क्या है, जैसे कि दूध है तो हम उसको जैसे खूब मटते हैं तो क्या होता है कि जो क्रीम होती है वो किनारे की सतहों पर एकत्र हो जाती है और उसको फिर हम निकाल लेते हैं। तो ये जो काम करता है वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर, किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऊर्जा के संरक्षण, द्रव्यमान के, रैखिक संवेग के, कोणीय संवेग के। तो जेट इंजन जो है वो रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने देखा होगा, जैसे कि कभी देखा होगा कि यहाँ जैसे ये है, मान लीजिए ये है रॉकेट, ठीक है, जेट इंजन है, ठीक है। तो देखा होगा आपने यहाँ पीछे काफ़ी धुआं टाइप का, गैस टाइप की जलती हुई निकलती है जब कभी जेट इंजन जाता है। तो होता क्या है, जब फ्यूल जलती है तो यहाँ पे एक पीछे की तरफ एक इम्पल्स जनरेट होता है, तो इसकी वजह से इसको एक फोर्स मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने संवेग संरक्षण के सिद्धांत पढ़ रखा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है, ठीक है, अगर स्थिर अवस्था में है तो उसके बाद की स्थिति में भी वो उसी अवस्था में रहनी चाहिए। लेकिन जैसे इसका विखंडन, मतलब कि जैसे ये जलता है ईंधन, तो क्या होता है कि पीछे की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, फोर्स की वजह से इसको एक इम्पल्स मिलेगा, तो यहाँ पे इसको पीछे की तरफ एक संवेग मिलेगा। तो संवेग संरक्षण से क्या होगा, रैखिक संवेग संरक्षण से, तो इस संरक्षण को बैलेंस करने के लिए इसको आगे की तरफ भी एक फोर्स जनरेट होगा, आगे की तरफ भी एक रेखीय संवेग जनरेट होगा। तो वो क्या करेगा, उसको ये जो इंजन है उसको आगे की ओर ले जाएगा। तो ये इसी सिद्धांत पे काम करता है। तो चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो ये जो है 11वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है 1/5, 1/4, 1/6, 1/8। तो इसका जो आंसर होगा 1/6, 1/6 इसका आंसर होगा। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो अगर पृथ्वी का जी है तो वहाँ का कितना है, जी बाय 6 है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वें क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है लगभग, वो ऑप्शन पहले देखते हैं कितने, 3600, 4200, 30,000, मतलब 36,000, 42,000 और 30,000। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 36,000। तो जो 36,000 होता है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है, लगभग में इतना ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की जो बूंद होती है उसका आकार गोलाकार क्यों होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता, गुरुत्व। तो श्यानता तो दो सतहों के बीच फ्रिक्शन, जब दो लिक्विड में बात करते हैं, लिक्विड या गैस में जब दो सतहों के बीच जो घर्षण होता है उसमें श्यानता होती है। तो श्यानता तो हो नहीं सकता, श्यानता के कारण तो हो नहीं सकता, प्रत्यास्थता भी नहीं हो सकता, प्रत्यास्थता भी नहीं हो सकता, ठीक है, और गुरुत्व भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही जो वर्षा का आकार, वर्षा की बूंद होती है उसका आकार गोलाकार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज किस देश से संबंधित है? तो महान वैज्ञानिक जो आर्कमिडीज थे वो किस देश से संबंधित थे? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका,
ग्रीस। तो जो आर्कमिडीज थे वो ग्रीस से थे, वो ग्रीस से थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? तो उसका ऑप्शन दे रखा है, बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो क्या है कि मतलब एक गिलास है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा है। तो बर्फ का टुकड़ा है तो वो जब पिघलेगा तो उसके पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? तो काफ़ी लोगों को लगता है कि इसमें जो है बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो उसका आयतन रहेगा उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो पानी का आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं तो इसलिए इन सभी को हमने इसमें जोड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं, न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिक्स, आइंस्टीन। तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया है वो है न्यूटन। तो न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? ठीक है, तो गुरुत्व बल होता क्या है? तो गुरुत्व बल होता है m × g। तो यही तो होता है m, m होता है द्रव्यमान और g होता है गुरुत्वीय बल, जो उस पे g लगता है, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं। ठीक है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण को जब हम द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो आता है ये गुरुत्वीय बल आता है। तो अब मान लीजिए द्रव्यमान इसका दे रखा है 1, तो 1 × g, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.8, और जो बल का मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में उसको क्या कहते हैं, न्यूटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा बी आंसर, 9.8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, 435 वाट, 305 वाट, 746 वाट और 976 वाट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ऑप्शन दे रखा है, आर्यभट्ट, बराहमीर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व की ओर आकर्षित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, जूल, ओम, एम्पियर, वोल्ट। तो जो ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है, तो ये जो है प्रतिरोध का मात्रक है ओम, और जो वोल्ट है वो विभव का मात्रक है, वो विभव का मात्रक है, ठीक है, और जो एम्पियर है ये धारा का मात्रक है। तो एक सिर्फ जूल ही जो है ये ऊष्मा का मात्रक, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस तापमान होने पर, मतलब कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला ये है कि जैसे C/5 इजिकल टू F-32/9, ठीक, इजिकल टू K-273/5 इजिकल टू R/4। तो अगर इन इन सभी में से किसी के बारे में भी पूछता है सेल्सियस केल्विन में, तो ये रिलेशन लगा देंगे, सेल्सियस फारेनहाइट में ये रिलेशन लगा देंगे, और अगर सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन पूछता है तो ये रिलेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो पूछा है सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही हो, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो दे रखा है
इसमें सेल्सियस और फारेनहाइट को सेम कर देंगे, तो सी बाई फाइव इजिकल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है। तो हमने सी की जगह पे लिख दिया एक्स और अपॉन में 5 कर दिया, एफ की जगह पे भी लिख दिया एक्स माइनस का 32 अपॉन 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 इंटू एक्स हो जाएगा 9x इजिकल टू 5x माइनस का 32 इंटू 5, ठीक है। तो इसको जब इस साइड ले आएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4x, 4x इजिकल टू माइनस का 32 इंटू 5। तो हमने कहा 4 से जाएगा ये कितने बार में, 8 टाइम्स, तो 8 5 40, तो इसका जो आ जाएगा माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान एक ही रहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से कोई ऐसा टेम्परेचर पूछ देता है जिसमें सेल्सियस और फारेनहाइट टेम्परेचर सेम हो, तो आप क्या करेंगे, सी अपॉन फाइव इजिकल टू के माइनस 273 अपॉन 5 इसको लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे, या फिर फारेनहाइट और कैल्विन में पूछ देगा तो इन कंडीशंस को लगा देंगे। तो कोई भी कंडीशन पूछ ले, आप उसके हिसाब से इन फॉर्मूलों का यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं किसी भी एग्जाम में। अगर जिस जिसमें साइंस का पेपर, साइंस से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम है, तो उसमें ये इससे काफ़ी हमेशा क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।